हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरूका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इस सीज़न में मैं दो तरह की व्रत की नमकीन बनाऊंगी, एक ड्राई फ्रूट नमकीन और दूसरी साबूदाना नमकीन। तो चलिए व्रत की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट नमकीन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 1 कप मखाना डाल देंगे। मखानों को फ्राई कर लेंगे। मखानों को लो फ्लेम पर एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। बस इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, मखानों ने सारा घी सोख लिया है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक मखाना इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से तोड़ के देख लेंगे। देखिए कितना आसानी से टूट रहा है। अब इन मखानों को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक बाउल में सारे मखानों को निकाल लूंगी। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और 1/4 कप काजू और 1/4 कप ही बादाम इसमें डाल देंगे। इन दोनों को भी लो फ्लेम पर लगातार सेकते रहेंगे। काजू और बादाम को ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस इनका कलर चेंज होने तक ही सेकना है। काजू और बादाम का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और दोनों को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक बाउल में मखाने डाल देंगे और ये जो काजू और बादाम है ये भी डाल देंगे और 1/4 कप किशमिश डाल देंगे। किशमिश को मैंने साफ कर लिया था और उसके डंठल निकाल लिए थे। सभी ड्राई फ्रूट्स को मिला लेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मसाले मिलाएंगे। तो मसालों में मैं यहाँ पर सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लूँगी। मिला लेंगे मसालों को भी। तो लीजिए, ये ड्राई फ्रूट नमकीन भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं साबूदाना नमकीन बनाऊंगी। साबूदाना नमकीन बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और ये मैंने मोटे वाले साबूदाना लिए हैं। इनको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूंगी। तो आधे साबूदाना मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। फ्राई कर लेंगे इनको और बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। जब तक सारे साबूदाना अच्छे से फूल नहीं जाते इनको इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम अब यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ और इन साबुदानों को एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से भी दूसरे बैच के साबुदाना फ्राई कर लेंगे।
अब इस बचे हुए तेल में आधा कप मूंगफली डाल देंगे। इनको भी लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मूंगफली बहुत ही जल्दी सिक जाती है, इनको बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। बस जैसे ही बीच में से फटने लग जाए तब इनमें गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए बीच में से बिल्कुल फटने लग गई है, और इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूखा नारियल ले लिया है। इन नारियल को इस तरह से लंबी स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। इस नारियल को ज़्यादा नहीं सेकना है, बस कलर चेंज होने तक पकाना है। देखिए नारियल भी कलर चेंज हो गया है नारियल का। अब इस नारियल को भी निकाल लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे, जितने हमको साबूदाना सर्व करने हैं उतने इस बाउल में डाल देंगे। मूंगफली डाल देंगे, नारियल डाल देंगे, और साथ ही में इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो मसालों में मैं यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर डाल दूंगी, सेंधा नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे। फास्टिंग में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इस नवरात्रि सीजन को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।